स्वागत है आपका बम्बल टून्स में। माया बचपन से एक छोटे से गांव में रहती थी। जब वो बड़ी हुई तो जॉब के लिए बड़े से शहर में गई। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और उसने गलती से एक पागल आदमी के घर में रूम रेंट किया था। ओनर ने माया के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उसे लॉकर में रख दिया। एक दिन जब ओनर शॉपिंग के लिए गया था तो माया धीरे से उसके रूम में जाके लॉकर खोलने की कोशिश करती है, बट लॉकर पे तो पासकोड है और वहीं पास में ये लिस्ट लगी हुई है। अब इस कोड की लिस्ट को देख के माया को सही कोड पता करना है। क्या आप माया की मदद कर सकते हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। लॉकर को ध्यान से देखिए, इसमें ये बटन 2, 5, 7 और 9 सबसे ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए थोड़ा डल हो गया है। और इस लिस्ट में इन लेटर्स का एक ही कॉम्बिनेशन है, वो है 7, 2, 5, 9। इसका मतलब पासवर्ड यही है। माया जल्दी से पासकोड डालती है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहां से भाग जाती है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं अगली पहेली पे। बमन का आज पिज्जा खाने का मन है। वो फोन लगाता है और बोलता है, हेलो यमी पिज्जा, मेरे लिए एक बड़ा पेपरोनी डबल चीज पिज्जा भेज दीजिए। अब बमन पिज्जा का वेट कर ही रहा था कि तभी डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो बताता है कि एक साइको किलर ने उसे आज आपको मारने की धमकी दी है, सो बी अलर्ट। बमन के घर में दो दरवाजे हैं और तभी दोनों दरवाजों पे पिज्जा वाला आता है। क्या आप इस फोटो को देख के बता सकते हैं कि असली पिज्जा बॉय कौन सा है? जल्दी से कमेंट्स में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। असली पिज्जा बॉय है ये। इस पिज्जा को ध्यान से देखिए, क्योंकि बमन ने यमी पिज्जा से ऑर्डर किया था, ना कि टमी पिज्जा से। पहेली पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए चलते हैं अगली पहेली पे। एक बहुत ही अमीर औरत एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। वो अपनी बेटी सारा को बुलाती है और बोलती है कि उसके लॉकर में एक एनवेलप रखा है जिसमें $1 million का चेक है। अगर वो उस लॉकर को खोल सकती है तो वो पैसे उसके हो जाएंगे। इतना कहते ही वो मर जाती है। सारा जल्दी से अपनी माँ के रूम में लॉकर के पास जाती है तो देखती है उसका लॉक तो एक पजल से खुलेगा। अब सारा कंफ्यूज हो जाती है। वहां ये पजल लिखा हुआ है। क्या आप इस पजल को देख के लॉकर का पासवर्ड बता सकते हैं? जल्दी से अपना पासवर्ड कॉमेंट करके बताइए। अगर आप इस पजल को ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इसका आंसर होगा 5, 3, 5, 3। सारा इसी सीक्वेंस में कोड को एंटर करती है और लॉकर खोल लेती है। लेकिन ये क्या, लॉकर में तो 3 एनवेलप हैं जिन पे कुछ लिखा हुआ है। तभी वहां पे अचानक से आवाज आती है। इन तीनों में से सिर्फ एक कंडीशन सही है और बाकी दो गलत। तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा। अब सही एनवेलप खोलो और $1 million पाओ, वरना इन पैसों को भूल जाओ। तीनों एनवेलप पे जो लिखा है, क्या आप इन कंडीशंस को पढ़ के बता सकते हैं कि चेक कौन से वाले एनवेलप में है? एक्स्ट्रा टाइम के लिए वीडियो को पॉज करिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चेक 3rd एनवेलप में है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है और बाकी दो गलत। तो 3rd पे लिखा है चेक इजंट इन द 2nd one। ये स्टेटमेंट ट्रू यानी सही होगा और बाकी दोनों फॉल्स होंगे।
इसका मतलब चेक थर्ड वाले एनवेलप में है। पहेली पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए। आइए चलते हैं अगली पहेली पे। एडम एक सुपर सीक्रेट एजेंसी में काम करता है। एक बार उसे खबर मिलती है कि उनकी टीम में एक दुश्मन के मेंबर ने ज्वाइन किया है। एडम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे 3 नए लोगों पर शक होता है जिनको अभी जल्दी ही हायर किया गया है। वो उन सबकी पर्सनल फाइल्स चेक करता है। फाइल्स चेक करते ही वो समझ जाता है कि दुश्मन का जासूस कौन है। लेकिन कैसे? क्या आप बता सकते हैं एडम कैसे पता लगाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, कायरा के फोटो में गाल पे राइट साइड पे तिल है, लेकिन यहाँ पे इस लड़की के तिल लेफ्ट साइड पे है। मतलब ये भेष बदल के कायरा बन के वहां आ गई है, लेकिन उसने ये गलती कर दी और वो पकड़ी जाती है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल बम्बल टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम ऐसी ही मजेदार पहेलियां आप सबके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।